नजदीक है ज्यादा पंजाबी पंचकुला में है या चंडीगढ़ में है? चंडीगढ़ में। और ज्यादा हरियाणा भी पंचकुला में है या चंडीगढ़ में है? पंचकुला। उसका नाम पंचकुला क्यों पड़ा है? पांच कुल है। नई दुनिया बनती है पांडवों के आधार पर। नई दुनिया बनती है ना, भगवान के सहयोगी कितने बनते हैं? पांच बनते हैं। वो असली पांच जो है वो पंच कुल कहे जाते हैं। क्या? युधिष्ठिर जो आज से अंत तक युद्ध में स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं है। शरीर हिल जाए, खलास हो जाए तो भी उनकी आत्मा क्या करेगी? युद्ध में डटी रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या किया, शरीर भरे हिल गया, लेकिन क्या उनकी आत्मा हिली? युद्ध में डटी रहती। ऐसे ही प्रकृति वाले जो युद्ध में स्थिर रहने वाले हैं और शांत स्वभाव वाले हैं, वो पहला कुल हो गया। फिर दूसरा कुल दिन माना भयंकर। कितने भयंकर? विरोधियों के लिए इतने भयंकर कि सौ कीचकों का वध अकेले भीम ने किया और सौ कौरवों को अकेले भीम ने गिराया। इतने भयंकर। और अर्जुन भगवान की जो दी हुई दात ज्ञान रतन है, उन्हें ज्ञान रतन कहो, ज्ञान बाण कहो, उन ज्ञान बाणों के आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष का
पुरुषार्थ जिसने किया, पुरुषार्थ रूपी धनुष को बहुत काम मिलाया, शरीर रूपी रथ को बहुत काम मिलाया, और भगवान ने जिसके रथ को बहुत यूज किया वो अर्जुन जैसे काम पांडव। तीन की पैदाइश और उसके बाद दो और थे जो सबसे छोटे पांडव कहे जाते हैं। नकुल और सहदेव, ये दूसरी माता से पैदा होते हैं। क्या है उनकी और माद्री, कुंती की औला पहले तीन पांडव और माद्री की औला नकुल और सहदेव। नकुल माने क्या हुआ, जो नाइट कुल का ना उस कुल का नकल वो नकुल है। उनमें खासियत ये होती है जो नकुल जानवर में होती है, कौन सा जानवर, नकुल माने नेवला, नेवला जो सांप को पकड़ के खा जाता है, हार देता है, चबा जाता है। इस दुनिया में विष फैलाने वाले जानवर हैं कामी इस्लामी, लोभी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम, मोही आर्य समाजी, और अहंकारी रसियन। इन पांचों विष उगलने वालों को खतर देने वाले, इसीलिए बाबा ने बोला कि सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। ज्यादातर चित्र है ना जो साक्षात्कार से तैयार कराया गया, उसमें सबसे मोटी जड़ देखी, एक जड़ सबसे मोटी है, वो है सन्यास धर्म, बहुत पावरफुल। उसमें किस बात की पावर है, है? प्योरिटी की पावर, बल शक्ति प्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी पवित्रता तो पालन की। वो पवित्र आत्मा है जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता धारण की है, वो जब निकलेंगी तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। कौन सा धर्म है पहला, पहला भारतीय धर्म कौन सा है जो धर्मियों के बीच में है? जो भी विधर्मी द्वापर युग से शक्ति पर आत्माएं आएगी, उन धर्म पिताओं में सबसे पहला पहला विधर्मी धर्म पिता कौन आया? भारतीय धर्मों में भारतवासी ही तो पवित्रता को पालन करते हैं, भारतीय धर्म वाले ही तो पवित्रता को महत्व देते हैं, विदेशी धर्म वाले तो सांप हैं। तो पहला धर्म पिता कौन है? बुद्ध, जो पवित्रता को महत्व देने वाला है। महात्मा बुद्ध पहले प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति में रहते थे, फिर जब से उन्होंने बौद्ध स्तूप बनाने शुरू किए और स्त्री पुरुष इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, तब से उन्होंने विचार पलट गया।
और उनका पराभव होने लगा, तब उनको बैराग आया। पहले प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर जब धोखा खा गए तो उनको बैराग आने लगा। बैराग आया तो उनमें संन्यास धर्म प्रवेश कर लिया। ऐसे नहीं कि शंकराचार्य पहले संन्यासी है। मुरली में बोला है सन्यासी कब आते हैं, क्राइस्ट से कुछ पहले आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले संन्यास धर्म आते हैं, महात्मा बुद्ध के आने के कुछ वर्षों के बाद बौद्ध धर्म में संन्यास वृत्ति प्रवेश कर जाती है। और उनका परिपक्व रूप शंकराचार्य जब आए तो वो संन्यास का परिपक्व रूप बन गया, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। कौन? शंकराचार्य। और महात्मा बुद्ध दृष्टि थे, बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। ये अंतर पड़ गया। शंकराचार्य के पालो और तो शंकराचार्य पक्के सन्यासी बने, और बुद्ध और महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स उसने पक्के सन्यासी नहीं कही गए। उसके बाद कौन सा धर्म आता है? आज से 150 साल पहले शंकराचार्य आए और 1400 साल पहले मोहम्मद आए, तो पुराना धर्म कौन सा हुआ? संन्यास धर्म पुराना है। और 100 साल बाद मुस्लिम धर्म मोहम्मद आए, उसके बाद कौन सा धर्म आता है? मुस्लिम आते हैं कलयुग के आदि होने से ही पहले। पहले मुसलमान आते हैं, फिर महापापी कलयुग की शुरुआत होती है। और पापी कलयुग भी जब मध्य स्टेज में गुजरता है, जैसे जिनका मध्य होता है ना, दो पहर होता है, कहते हैं घोर सोझरा, ऐसे ही घोर पापी कलयुग कब होता है? कलयुग के मध्य में। तब आते हैं सिख, उनमें भी संन्यास धर्म चलता है। क्या सिखों में भी संन्यास धर्म चला है? वो भी किसको फॉलो करते हैं? बुद्ध और शंकराचार्य को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन उनमें एक वृत्ति विशेष है। क्या? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। इसलिए उनका संन्यास धर्म और उनका धर्म उतना ज्यादा सहयोगी बनता है भारत का, जितना दुनिया का और कोई धर्म सहयोगी नहीं बनता। तो वो हुए सहदेव। नाम उनका क्या पड़ा? देवता धर्म के सबसे जाति सहयोगी। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, भारतवासियों को विदेशियों से स्वतंत्रता मिली ना, उस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे जाति बलिदान किसने दिए? कौन से धर्म ने दिए? सिखों ने सबसे जाति बलिदान दिए। वो हुए सहदेव, वो पांचवा कुल। लेकिन पांचों कुलों का जो मूल स्थान है वो कौन सा स्थान है? पंचकुला।
वालों का स्थान पंचकुला। चंडीगढ़ जो राजधानी है वो तो लिमिटेड है, वहां भी रहने की भी जगह नहीं है, और पंचकुला तो बहुत विस्तार में फैला हुआ और विस्तार होता जाता है। पंचकुला इतना विशाल है कि चंडीगढ़ को भी जमीन देने के लिए तैयार है। धरणी माने जमीन माने क्या, कन्या माताओं की पावर। चंडीगढ़ के पास वो धरणी नहीं है अभी जो विस्तार को राजधानी पा सके, और पंचकुला में है। और हरियाणा की खासियत ये है कि जो भारत की राजधानी है, जिस दिल्ली राजधानी के ऊपर सारी दुनिया ने कब्जा किया है, उस दिल्ली राजधानी के तीन दिशाओं में हरियाणा फैला हुआ है। तीन दिशाओं से हरियाणा ने कैप्चर किया हुआ, जैसे एक दिशा में यूपी है, यूपी का पहले चित्र कैसा था, इस जानवर की तरह था, शेर की तरह था, और उस शेर के मुंह में दिखाई गई है दिल्ली। ये संसार रूपी जंगल है ना, जंगल में तीन शेर मुख्य हैं, और कौन, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उन तीन शेरों में वास्तव में एक ही है शेर, बाकी जो शेर है नहीं, लेकिन दिखाई दिया है शेर, इसलिए मुरली में भी बोला है वास्तव में त्रिमूर्ति में तीन शेर नहीं है, एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक तो शेर का जो मुंह दिखाया गया है उसका नाम क्या रखा है, बुर्रे। जिस शेर के मुख में दिल्ली दिखाई गई है उस मुख का नाम क्या रखा है, कौन सा जिला का नाम, यूपी तो सारे जिलों का नाम है, जो भी 60-70 जिले है वो सारे जिले मिलाकर के यूपी कही गई, अभी उसमें से भी माथा कट गया, क्या उत्तरांचल कट गया, गेंदे की शकल रह गई, पहले शेर की शकल थी, अभी गेंदे की शकल रह गई, लेकिन अभी भी दिल्ली के मुंह में दिखाई दे रही, कौन सा जिला है उसका नाम क्या है, गाजियाबाद। शेर क्या करता है, गजभोर करता है, क्या दिल्ली सामने है और दिल्ली के सामने ही गजभोर करता है। ये संसार रूपी जंगल में तीन शेर दिखाए दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में वो दिल्ली जब भगवान आते हैं तो एक तरफ यूपी का शेर गाजियाबाद के रूप में गजगोर करता है, और तीन तरफ से सेना डटी हुई है। तो कौन से राज्य की सेना है, हरियाणा। उसका नाम हरियाणा क्यों पड़ा, अंदर से लाल लगी हुई है, क्या लाल लगी हुई है, अभी आ ना सब जगह घूम करके हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा। हरी नाम है कृष्ण का, हरी माना कृष्ण नहीं, वो है हर, हर माना शंकर और हरी माना कृष्ण है, तो दोनों एक ही, एक ही शरीर में हरि अर्थात कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, और
महादेव शंकर जी और शंकर की भी आत्मा है। जितने केवल तीसरा नेत्र प्रवेश करता है तो दो राजधानियां बताइए। एक पांच पांडवों की राजधानी होनी चाहिए पंचकुला, लेकिन कौन सी राजधानी रही? चंडीगढ़। अभी कुछ परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? हाँ जी, हाई कोर्ट कहाँ है? अभी भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। लेकिन ये पांच पांडव पांचों कुल मिलकर के जब एक हो जाएंगे पंचकुला में तो भारी परिवर्तन हो जाएगा। उस समय जो सिखों की राजधानी है, खास पंजाबियों की राजधानी समझते है तो हरियाणा वालों की भी राजधानी भारी परिवर्तन हो जाएगा। ये कहावत है, क्या कहावत है? इसको भी ये कहावत है कि अभी 12 नहीं बजे तो अभी देखने में आता है 12 नहीं। भारतवर्ष में से हर वर्ग की आत्माएं निकल रही है, ज्ञान को एडवांस ज्ञान को भी समझ रही है, लेकिन सिख लोग नहीं निकल रहे, नहीं चेत रहे। उनको चेतना कब जागृत होगी? जब सूर्योदय का टाइम होता है तब नहीं जागृत होती। जब धीमे धीमे प्रकाश करता है तो भी जागृत नहीं होते। जब तीखा प्रकाश होता है 12 बजे दोपहर का सूर्य एकदम ऊपर तपता है तब उनकी आंखें खुल जाती है और वो सारे ही संन्यास धर्म की आत्माओं को झकझोर देती है। तो अभी तो बाबा हरियाणा की आत्माएं नहीं जाती, पंजाब की कहाँ जाती है? क्योंकि हरियाणा में भी 6 महीने में मिल रहे हैं बाबा। 76 में 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था माउंट आबू और एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई थी, क्या उस समय हरियाणा में कोई जागरण नहीं था। महेश कौन बोल रहे हैं? और 75 से लेकर के लंबे समय तक भी हरियाणा में जागरण नहीं है, क्योंकि जो एडवांस पार्टी बनाम ज्ञानी आत्माओं की पार्टी माना ज्ञानता पार्टी, अज्ञानता पार्टी नहीं ज्ञानता पार्टी, उसने सारा जोर दिल्ली में लगा दिया क्या? और दिल्ली में 7 सीटें जीत ली, सारी दिल्ली को कब्जे में कर लिया, राजधानी को कब्जे कर लिया। लेकिन अव्यक्त बापा दादा ने क्या बोला, जब किसी देश को जीतना होता है, किसी राजधानी को जीतना होता है तो क्या करते हैं? पहले चारों तरफ से घिराव डालते हैं। जब चारों तरफ से घिराव कर जाता है किले का, फिर हमला कर देते हैं। तो दिल्ली के 3 तरफ तो बिल्कुल ही आवाज हुई नहीं, हरियाणा तो जगह ही नहीं। और अभी वो बात नहीं है, बीज तो पड़ गया, तीनों दिशाओं में बीज पड़ गया कि कोई दिशा रह गई?
तीन दिशाओं से हरियाणा ने दिल्ली को कवर किया हुआ, तो तीनों दिशाओं में बीज तो पड़ गया, बीज पड़ गया, बीज सरपंच होता है तो पौधा बनता है, पौधा से वृक्ष बनता है, वृक्ष में फल आते हैं और सारा काम संपन्न हो गया। जो लास्ट है, लास्ट तो फास्ट हो जाता है। बाबा एक चीज और साथ में चलती है, यहाँ हरियाणा के जो लोग दिल्ली जाते हैं, हाँ जी, तो आश्रम पर जाने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि कई कई रास्ते पैसे वगैरह बदलनी पड़ती है। हमारी माताएं भोली भाली हरियाणा की। क्यों? और ऑल इंडिया से दक्षिण भारत के आ जाते हैं, वो बहुत तेज लोग, उनको रास्ता नहीं बदलना पड़ता है, हरियाणा वालों को रास्ता बदलना पड़ता है। इसको भाटेगढ़ को जोन बना दो, फिर सेवा देखो कम फटेंगे। बहादुरगढ़ जोन तब बने जब बहादुरी अपनी दिखाए। क्या बहादुरी अपनी दिखाए? कौन सी बहादुरी? और बहादुरी बहादुरगढ़ ने मैम को जगा दिया और मैम ने तो अनपढ़ आदमी को भी प्रधानमंत्री बना दिया। यहाँ तो लोक तो पढ़ाई की बात नहीं है, यहाँ तो अलग कुछ पढ़ाई की बात है। हरियाणा में कौन सी जाति ज्यादा प्रसिद्ध है? जाति ज्यादा प्रसिद्ध है हरियाणा के, और अभी देखो कितने जात बैठे हैं। जाति ज्यादा प्रसिद्ध है। और पंजाब के कौन सी जाति ज्यादा प्रसिद्ध है? सिख ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कर्म कारक तो थोड़ा तो लगता होगा कि नहीं लगता होगा? लगेगा ना। जितना भी विदेशियों ने हिस्ट्री में आक्रमण किए है वो कौन सी दिशा से आक्रमण किए? पश्चिम से जब आक्रमण किए तो कौन से स्टेट पहले आए जिनसे युद्ध हुआ, जिन्होंने पहले मुकाबला किया? पंजाब और हरियाणा। पंजाब के पंजाबी और हरियाणा के हरियाणवी। सिख कोई अलग से नहीं है, है देवी देवता सनातन धर्म के सभी प्रवृत्ति मार्ग को इतना मान्यता है। एक नारी तथा ब्रह्मचारी, लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म के थोड़े असल में कम थे, गुरु नानक ने उनको सहयोगी बनाया कि जो डायरेक्शन में इसको तुरंत फॉलो कर अकल में चलाए। क्या जो पूरब साइड के बंगाली है बड़े अकल चलाने वाले, इसलिए बंगालियों में से किसी को कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जाता, क्योंकि सेना का आदमी उसको आर्डर मिले ये करो और वो अगर चलाना शुरू कर दे तो सत्यना कर दे। इसलिए पश्चिम साइड के ऐसी आत्माएं निमित्त बनाई गई है ड्रामा के अनुसार सिख धर्म में, जिनको गुरु नानक और उनके परवर्ती गुरु गोविंद ने जो डायरेक्शन दिया और वो उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने कहा पंच प्यारे चाहिए, कैसे पंच प्यारे? जो बोला फट से फॉलो किया, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। तो उन पंजाबियों का असर जो है, तो पंजाब का असर हरियाणा में भी पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। तो जिनके ऊपर वो असर पड़ा, और बच्चा बाप से सवाया होता है या कमजोर होता है? नहीं, सतयुग आज में होता था और अभी आज के दिनों में छोटे छोटे बच्चे बहुत अनुभवी हो जाते हैं। कंप्यूटर माइंड, हाँ कंप्यूटर माइंड है उनका। तो ये है अंत की बात। अंत समय में जो जाट और जो सिख, आज से 500 साल पहले ही तो सिख हुए,
तो ये कौम ऐसी है कि एक बार बुद्धि में बात बैठ जाए, बैठी नहीं तब तक बैठी नहीं, पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे नहीं, और जब पकड़ लेगी बुद्धि छोड़ेंगे नहीं। फिर एक कोई फॉलो करेंगे और आंख बंद करके फॉलो करेंगे, क्या एक श्रीमत पर चलेंगे, किसी और की बात मानने वाले नहीं। इसलिए अभी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों की एक ही राजधानी है और एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट है। ज्यादा दिमाग के पीछे लोग होते हैं ना, और कोई पहलवान आदमी होता है तो दिमाग का ज्यादा होशियार होता है, ऐसे बाबा दिमागियों को पसंद नहीं करते। बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन बुद्धिमान बाप बुद्धिमान बच्चों को पसंद करता है या दिलवाले बच्चों को पसंद करता है? दिल वालों को पसंद करता है, दिमाग वालों को पसंद नहीं करता। तो जो दिमाग वाला कोई होता है और दूसरी तरफ कोई पहलवान होता है तो बुद्धिमान लोग जो है अहंकार के कारण क्या कहते हैं, ऐसी जट बुद्धि है, ऐसी बुद्धि है जट बुद्धि। तो जट बुद्धि से बनता है जाट, लेकिन ये नहीं समझते कि हम आकल चलाने वाले हैं, बुद्धि ज्यादा चलाने के कारण हम मनमत पर चलने वाले हैं और वो मनमत पर चलने वाला नहीं होता है। साफ दिल तो मुराद हासिल, ये गायन है और बाबा भी ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं कि एक बार सच्चाई बुद्धि में बैठ जाए और एक बार मुख से वचन निकल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा यहाँ तो सारे डाटा हफ्ते में दो बार आवा विदेशियों का असर पड़ जाता है ना, जो विदेशी है वो रोज अपने मंदिर में जाते हैं कि सप्ताह में एक बार जाते हैं, सप्ताह में एक बार। क्रिश्चियन लोग संडे संडे जाते हैं गिरजाघर में, और मुसलमान लोग शुक्रवार शुक्रवार जुम्मा जुम्मा जामा मस्जिद में जाते हैं, दो ही बार जाते हैं। और उन विदेशियों ने जो मुसलमान और क्रिश्चियन है उन्होंने भारत में पश्चिम से आक्रमण किया और वही बस गए, तो बस गए तो रंग का रंग तो लगता है ना, लगता भी नहीं क्योंकि भारतवासियों को असली गुरु तो मिलता नहीं। क्या जो सामने आता है उसको घर में कमा लेते हैं, विदेशी अपने में नहीं कमाते, विदेशी पहले धक्का देते रहते हैं और भारतवासी सब धर्म वालों को अपने में समा लेंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया का माता पिता का देश है। कौन सा देश? भारत देश, मदर इंडिया, मदर इंडिया कहा जाता है। तो जो भी विदेशी आए भले उन्होंने आक्रमण किए फिर भी यहाँ बस गए तो उनको नाम दे दीजिए, पढ़ा दीजिए। संग कारण में लगता है कि नहीं लगता है विदेशियों का, वो नई नई आत्मा उतरती है और हम 84 जन्म लेने वाले तो ज्यादा समो प्रधान कौन हुए, हम ज्यादा गिरे हुए समो प्रधान सच्ची आत्मा पर गए सुख भोगते भोगते, और वो नई नई आत्मा उतरती है सतो प्रधान आत्मा है सतो सामान्य है इसलिए पावरफुल है, उनका असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसलिए वो जो आते रहे विदेशी उन विदेशियों ने हमारी संस्कृति को कब्जे में कर लिया, हमारे ऊपर अपना असर डाल दिया, हमको प्रभावित कर दिया, हम उनसे प्रभावित हुए हम उनको प्रभावित नहीं कर सके।
खाली भगवान बाप आया हुआ है। उन्होंने उल्टी पढ़ाई पढ़ाई क्या, आज घर घर में ये प्रवृत्ति है कि जागली पढ़ाई करो और नौकर बनो। क्या नौकरी मिल गई जैसे किसी की बात नहीं, और बाप आकर आकर के क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं, नौकर नहीं बनाता हूँ, आदमी नहीं बनाता हूँ, मैं तुमको आकर के स्वाधीन राजा बनाता हूँ, अधिकारी बनाता हूँ, अधिकारी बनना है, राज्य अधिकारी बनना है, राजा बनना है, महाराजा बनना है, लेकिन आदमी नौकर नहीं बनना है। इनके बारे में झाड़ के कितने दशरथ बनते जो दस धर्मों के दस आधारभूत दिखाई गए ना, दुनिया में दस धर्म है ना, नौ धर्म तो ऐसे हैं जो राजा ही प्राप्त करते हैं और एक धर्म ऐसा है जो राजा ही नहीं प्राप्त करता। अगर राजा हुए भी तो लेनिन ने स्टालिन के आते ही उन राजाओं का कत्लेआम करवा दिया गया, उन्हें राजा ही पसंद नहीं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज ही पसंद करो। तो दस रथ बैठे हुए, चार इधर चार उधर और दो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बीच वाली जंग, सारी दुनिया के माता पिता, तो दस हो गए। ये दस रथ आज से लेकर के जब तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब तक ये किले अभी भी है कुल कुमार उनमें से। क्या वो दसों जड़ें पहले तैयार होती है, वो जड़ें जब परिपक्व हो जाती है तब ये झाड़ भी परिपक्व हो जाता है। झाड़ परिपक्व होता है और उसमें पहला फूल तैयार होता है। जमीन में खेती की जाती है या बागवानी की जाती है तो जो पहले फल का बीज होता है वो बोना अच्छा समझते हैं, है ना। ऐसे ही जो शक्ति के आज बीज थे दस जड़ों के नीचे दस बीज, तो वैरायटी धर्मों का ज्यादा है ना, वही दस बीज जब वृक्ष पूरा हो जाता है तो वो बीज तैयार हो जाते हैं और उन फलों में से वो बीज जो है वो डिटैच हो जाते हैं, सारे झाड़ में से उनका कनेक्शन कट हो जाता है, दुनिया से डिटैच माने नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ऐसी से जो दस बीजों की बनती है, उन दस बीजों से जो जड़े बनती हैं पहले पहले यज्ञ के आज में जो जड़े जमाई गई वो दस आत्माएं बनी। क्या जड़े माने माता आधार और बीज माने पिता, बीज बाप को कहा जाता है, जैसे बोला हम बीज प्रकट पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं और ये जड़े तो ये भी कि आज से लेकर के अंत तक ये जड़े जब तक ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं ये परिपक्व रूप धारण कर लेती है, उसके बाद राम वाली आत्मा ये भी में प्रवेश करती है। तो किसकी औलाद हुई है, उन्हीं दशरथों की औलाद हुई, उन्होंने जो ज्ञान इकट्ठा किया
उस ज्ञान का सार उस आत्मा के बुद्धि में संग्रहित हो जाए, इसलिए दस अर्थ कहा जाए। एक अर्थ की औलाद नहीं है, एक ने पालना नहीं दी, कितनों ने पालना दी, दस ने पालना। कृष्ण एक है या कृष्ण दो है? दो एक संगम युगी कृष्ण और एक सतयुगी कृष्ण। महाभारत में होता नहीं, हाँ सत्युग में तो जो कृष्ण पैदा होगा उसके साथ लड़ाई झगड़े वाली कोई दुनिया होगी नहीं, और जो कृष्ण यहाँ है उसके साथ कंस है, कंसी जरासंधी पीछे पड़ते हैं जिसके कृष्ण के, वो कृष्ण संगम युगी है या सत्युगी है? संगम युगी कृष्ण है। पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका हुआ है? संगम युगी कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले होता है क्या? जन्म तो होता है लेकिन क्या प्रत्यक्षता हुई? नंबर वन। अरे पहले बच्चा प्रत्यक्ष हो क्या? पहले बच्चा प्रत्यक्ष हो और साथ में बाप भी प्रत्यक्ष हो। बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करता है या बच्चे को प्रत्यक्ष करता है? तो जब बाप संपन्न बनेगा तो बच्चे की आत्मा संपन्न नहीं बनेगी है? बाप संपन्न बनना माना बच्चे को जन्म देने योग्य बन गया। बाप संपन्न नहीं है माना बीज ही संपन्न नहीं है तो बच्चे का जन्म हो गए? बीज परिपक्व होना चाहिए और उसके लिए बोला है नरक की दुनिया के बीच सड़क का वर्तन हुआ क्या जो होगी वो नरक होगी 500 करोड़ की दुनिया, लेकिन उस दुनिया के बीच सड़क का वर्तन तुम लोगों को मिलेगा। स्वर्ग का वर्ता सबको मिलेगा या थोड़ों को मिलेगा? कितने थोड़े होंगे? साढ़े चार लाख ये अभी कितने आए हैं एडवांस में? साढ़े चार लाख तक आ जाए अभी कितने आए हैं? अभी तो हजारों की तादाद में भी नहीं आए हैं, तो अभी सात पूरा हुआ, सात होने जा रहा है, कितने वर्ष और होंगे? ये बात पूरी हो जाएगी, ये सात पूरे हुए दूसरी मूर्ति का काम पूरा होने जा रहा है, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है, तो दूसरी मूर्ति के भी तीन आयाम होते हैं, पहली मूर्ति के भी तीन आयाम हुए और तीसरी मूर्ति के भी तीन आयाम हुए। सत्व रज और तम तीन ही गुण तो है, तो विष्णु तीसरी मूर्ति के द्वारा जो भी प्रैक्टिकल पार्टी होगा, प्रैक्टिकल पार्टी है ना, एडवांस पार्टी में तीन पार्टी है, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी ब्रह्मा देव की आत्मा होगी, ब्रह्मा सरस्वती देव की आत्मा होगी जो प्रवेश करके उमंग उत्साह भर रही है, और दूसरी प्लानिंग पार्टी जिनमें प्रवेश होता है
और जो वो उत्साह में आ जाती है, है? और बुद्धि बड़ी तीखी चलाती है और नई नई प्लानिंग सबके सामने ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, प्लानिंग पार्टी। और तीसरी वो है प्रैक्टिकल पार्टी। एक होता है मकान बनाने वाला मालिक, वो मालिक जो है वो पैसा देता है, क्रिएट करता है इसको, इंजीनियर को वो प्लानिंग तैयार करता है। प्लानिंग जब तैयार हो जाती है तो मजदूरों को इंस्पिरेट करता है पैसा देके, और मजदूर क्या करते हैं मकान प्रैक्टिकल में तैयार करते हैं। इंजीनियर से नक्शे में तैयार करेगा, बुद्धि में खाता आएगा और कागज में तैयार कर देगा, लेकिन मजदूर मिस्त्री प्रैक्टिकल में बना देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल जो चेहरा बनेगा वो प्रैक्टिकल पार्टी आती है, आने वाली है। तारीख की अगले कहानी में बच्चों को इशारा दे दिया क्या कि जो तुम्हारी सहयोगी है विशेष, जो तुम्हारी स्नेही है, उस ग्रुप को उठाओ। लड़कियों के विशेष सहयोगी कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को विशेष फॉलो करने वाले। वो नहीं कहेंगे, वो तो पिस रहे हैं बीच में। ब्रह्मा कुमारियों में भी ये जड़ है 8-9, उनमें एक ही जड़ तो सूर्यवंशी थी, 9 जड़े तो दूसरे दूसरे धर्म की है। तो जैसे ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में हर धर्म की चीज है, ऐसे ही जड़ों में भी, ब्रह्मा कुमारियों में भी हर धर्म की जड़े हैं। उनमें से सिर्फ एक ही जड़ ऐसी है जो ब्रह्मा को पूरा पूरा पार करने वाले हैं, सहनशील है। सर्वगुणों का राजा कौन सा होता है? तो इतनी ब्रह्मा कुमारियों में तो कोई न पुरुष होगा जो अंदर भी सहन कर रहा होगा और बाहर दुनिया वालों की भी सहन कर रहा होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ, तो दूसरे धर्म की आत्मा घुसी पड़ी है वो तो इम्प्योर है, अपवित्र है, जन्म जन्मांतर की अपवित्रता फैलाने वाली है। लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप है, 9वां हिस्सा, जो पवित्रता में पक्के है। ऐसे ही नहीं सारी ब्रह्मा कुमारी अपवित्र है, हाथ एक जैसा नहीं होता है, छोटी बड़ी उंगलियां होती है। तो उनमें भी जो दुनिया का पहला धर्म है कौन सा धर्म है? आदि सनातन जब देवता धर्म तो बाद में बनता है, देवता से पहले क्या होते हैं? ब्राह्मण। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ उनमें भी सब एक जैसे नहीं है, एक है सूर्यवंशी तो दूसरे है चंद्रवंशी, हम दोनों से मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग सत्यवत्रेता का तैयार होता है स्वर्ग। तो उनमें जो दूसरा ग्रुप है ब्रह्मा कुमारियों में, जिसके लिए बोला कि शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है तो उसके पीछे सारा झाड़ जाता है। ये ब्रह्मा परस्तों को पहली मूर्ति के जो फॉलोअर्स हुए और दूसरी मूर्ति के जो फॉलोअर्स हुए, दोनों में मित्र हैं हर धर्म के, है कि नहीं? हर धर्म के मित्र हैं, इसलिए यूनिटी नहीं बनती। लेकिन उसमें जो असली शहद की मक्खियां हैं, शहद खाया तो है, शहद अमृत कहा जाता है ना, शहद की मक्खियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, कौन सी है? एक छोटी मक्खी
और एक बड़ी मक्खी पे ऐसे भी दो प्रकार का होता है, यहाँ भी दो प्रकार की होती है, एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी। और उसी मक्खी का शहद बहुत अच्छा माना जाता है, छोटी मक्खी का शहद बहुत पावरफुल होता है। क्या आंख में डालने की जो दवाई का बनाते हैं ना आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो छोटी मक्खी का बनाते हैं। छोटी मक्खी का शहद ज्यादा पैदा नहीं होता, थोड़ा होता है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, पावरफुल होता है। तो जो छोटी मक्खी है वो कौन है और बड़ी मक्खी है वो कौन है? बड़ी मक्खी, बड़ी रानी, बड़ी मक्खी की रानी माने बड़ी माँ, और छोटी मक्खी की रानी छोटी माँ। इन दोनों का संगठन बहुत पावरफुल निकलता है क्या? और दोनों प्रकार की मक्खियों में काटने वाली ज्यादा कौन सी होती है? बड़ी दिंगार मक्खी बहुत काट देती है। तो जो बड़ी मक्खी है वो है रुद्रमाला की बिटिया, क्या जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, सारा जगत माना देवताएं और राक्षस, जितना भी बौद्ध क्रिश्चियन। जगदम्बा किसको कहा है? कौन सी आत्मा जगदम्बा है? जगदम्बा आत्मा कौन सी है जो जगदम्बा का पाठ बजाती है? हाँ, बोला है वास्तव में यह ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस दाढ़ी मूछ वाले तन को कैसे रखे, इसलिए ओम राधे को निमित्त बनाया। वास्तव में जगदम्बा फिर कौन है? ना ओम राधे है, न दादा लेखराज ब्रह्मा है, फिर है कौन? यज्ञ के आदि में जो माता निमित्त बनी थी ब्रह्मा को भी सुनाने के लिए और ब्रह्मा से सुनने के लिए, वही माता अंत में आकर के बड़ी माँ जगदम्बा बनती है, जिसमें सुप्रीम सोल नहीं प्रवेश करता है लेकिन ब्रह्मा की सोल अंत में प्रवेश करती है, और वो जगदम्बा महाकाली कही जाती है। जब सामती बनती है तो महाकाली बनती है। महाकाली ब्रह्मा की आत्मा का पाठ है, क्या शिव का पाठ नहीं है, न शिव संहार करता है न संसार संहार करता है। संहार कारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां संहार कारिणी गाई हुई है। उन शक्तियों में जो रुद्रमाला की मुखिया है वो है बड़ी रानी, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। क्या जो भी राज परिवार होते थे हिस्ट्री में, राजसभा लगती थी तो राजा के साथ रानी भी होती थी, लेकिन एक महारानी होती थी राजमाता, वो राजलक्ष्मी छोटी और वो राजमाता, उनका पति किसका माना जाता है? राजमाता। और कौन चलाती? राजलक्ष्मी। ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी घर परिवार की धन संपत्ति है वो सारी कितने राजमाता संभालती है, घर परिवार की धन संपत्ति सारा जीवन, या राजलक्ष्मी ने संभाली? धर्म कितने की? जो बड़ी माँ है लेफ्ट हैंड वो धारण करता है ज्ञान जल को, और जो छोटी बनी जाती है वो उसको बांटने के लिए बनती है। तो घाटे में कौन आता है और फायदे में कौन जाता है? बांटने वाली फायदे में आ जाती है।
क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से भागी बनता है या इकट्ठा करके रखने से भागी बनता है, बांटने से भागी बनता है। तो एक ने धारण किया और एक ने बांटा, लेकिन वो अगर धारण ही नहीं करती वो बांटती कैसे? धारण भी करा बाबा बांटा दी, धारण भी करा बाबा उसने बांटा दी, बांटा दी मिला कुछ है। कहते हैं कि जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूरी करती है, क्या सब मनोकामनाएं जगदम्बा पूरी करती है, और लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना पूरी करती है। कौन से धन की बात होगी? तो ज्ञान धन की बात होगी। तो दुनिया की जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी करना जरूरी है, या जो भगवान ने दी हुई ताकत है ज्ञान धन की, वो मनोकामना पूरी करने में सब कामनाएं पूरी हो जाती है? ज्ञान धन की मनोकामना पूरी करने से जन्म जन्मांतर की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है स्वतः, और बाकी जो मनोकामनाएं हैं वो तो सब अल्पकाल की है। उसके लिए तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, इच्छा मात्र भविष्य, इच्छा मात्र मनोकामना। तो वो गलत रास्ता पकड़ा। क्या पब्लिक को खुश करना है या भगवान को खुश करना है? पब्लिक माना प्रजा, प्रजा माना बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा के बच्चे है वो कुटुंब है। तो बच्चों को पहले प्रसन्न करना है या बाप को प्रसन्न करना है? बाप को प्रसन्न किया तो बच्चे तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाए, मुख्य है बाप। इसलिए बाप ने लक्ष्य दिया हुआ है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो लक्ष्मी क्या बनती है? नारी से लक्ष्मी बनती है, अकल नहीं चलाती। क्या अकल नहीं चलाती? जैसे हरियाणा फायदे में जाता है और जगदम्बा रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणके बुद्धि में तीखे होते हैं या दिल में ज्यादा तीखे होते हैं? हैं? बुद्धि में तीखे होते हैं। तो बुद्धि कराने के कारण वो श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं कर पाती। मनमत में खोने के कारण जगदम्बा जो है वो नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती। क्या बनती है? ये राजाओं की माला है रुद्रमाला या रानियों की माला है? राजाओं की माला है। तो जगदम्बा भी क्या बनेगी? राजा बनेगी। इसलिए है द्वापर युग से लेके कलयुग तक जो भी राजा ही हुआ उन राजाओं में राजा बनेगी, और पावरफुल राजा भी बन सकती है। क्या? लेकिन श्रीमत को फॉलो करने वाली पूरी नहीं बनेगी, क्योंकि संस्कार कहाँ भरे जाते हैं? संस्कार संग में भरे जाते हैं। बाप आते हैं तो मूल पढ़ाई का तंत्र क्या बताते हैं? सारी पढ़ाई का मूल तंत्र क्या है? रिजल्ट क्या है? हाँ, वो मनमना भव्य कहें एक बाप दूसरा दूसरा न कोई, या ये कहें कि पवित्रता। सारी पढ़ाई का तंत्र क्या है? प्योरिटी। वो प्योरिटी जो सारी पढ़ाई का तंत्र है वो तंत्र नहीं प्राप्त कर पाती जगदम्बा, क्योंकि बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। आज दुनिया की माताएं जो है पति खुदा के खास कर शरीर छोड़ दिया तो किसके प्रभाव में आ जाती है? तो बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। किसको फॉलो किया? उन माताओं ने फॉलो किसको किया? जगदम्बा को फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा उनकी गलती नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो अज्ञानता बेबी उठी थे, मुरली बोला है ब्रह्मा को तो बेबी कहेंगे,
क्या उन्होंने तो बुद्धि से ऐसा से कुछ सोचा नहीं, जो बोला शिव बाबा ने, शिव बाबा ने बोला, उन्होंने थोड़ी उनसे ज्यादा तो सीखा, मम्मा समझाती थी। क्या सागर मंथन मम्मा का चलता था, ब्रह्मा बाबा का नहीं चलता था। तो ब्रह्मा तो जैसे देवी बुद्धि से जो कुछ मुरली बोली गई वो शिव बाबा ने बोल दी, ना ब्रह्मा ने समझी और ना ब्रह्मा भक्तों ने समझी। सागर मंथन तो हुआ ही नहीं, इसलिए बोला है कि अभी गीता ज्ञाना अमृत नहीं कहेंगे, गीता को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत तो मंथन से तैयार होता है। अभी क्या कहेंगे, गीता ज्ञान, गीता ज्ञान हुआ लेकिन अमृत नहीं निकला, जो पी करके देवताएं अमर बन जाए। अमर माने निश्चय बुद्धि, क्या ब्रह्म ही निश्चय बुद्धि हो गया, आठ फेल हो गया तो फिर उनके फॉलोअर तो नहीं आठ फेल होंगे। तो अनिश्चय बुद्धि विनश्य थी, ज्ञान में अनिश्चय बुद्धि जो होते हैं उनका विनाश हो जाता है। और वहां स्कूल में भी जब स्कूल विनाश होगा तो जो अनिश्चय बुद्धि वाले होंगे उन सबका सबका विनाश होगा। नहीं हाथ फेर भले ना हो लेकिन अचानक मौत तो होगी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सारा विनाश आंखों से देखेंगे, क्या हार्ट फेल होने वाले नहीं होंगे, पूरा नजारा जाएंगे मामा। आपकी पढ़ाई पूरी होगी या सबकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी एक साथ?